दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है करमताप देखा रियल टैग। दोस्तों जैसे आप लोग पता है, आज से कुछ दिन पहले यानी कुछ महीने पहले एक पोस्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आया था कि आप घर बैठे हम आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करवा सकते हैं, मोबाइल नंबर हो गया या फिर और भी कुछ हो गए अपडेट करा सकते हैं। लेकिन क्या था भाई, उस पर हम जाके जब भी अप्रूवल लेते थे या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट डालते थे तो हमारे घर पर कोई भी व्यक्ति उसमें आधार कार्ड में संशोधन करने के लिए नहीं आता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने नया अपडेट, नई वेबसाइट जारी कर दी है, जिससे अगर हम कोई भी अब अपडेट डालेंगे यानी कि कोई भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट डालेंगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर बंदा आपके घर पे आएगा एंड आपका जो है संशोधन करके जाएगा। तो यहाँ पर नया अपडेट ये आया कि आप घर बैठे अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड में लिंक करा सकते हो, चेंज करा सकते हो। वो कैसे कराना है आज की इस वीडियो में बताएंगे, किस प्रकार से अपॉइंटमेंट बुक करना वो भी बताएंगे। चलिए पहले चलते हैं अपने लैपटॉप की होम स्क्रीन। तो दोस्तों सिंपल सा यहाँ पर हमने क्या किया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो है वेबसाइट ओपन कर रखी है। जब आप ये वेबसाइट ओपन कर लें तो सिंपल सा आपको करना क्या है, यहाँ पर एक सर्विस का ऑप्शन मिल रहा है ना, तो सर्विस के ऑप्शन पर हम जाएंगे, यहाँ पर मिल रहा है मोबाइल बैंकिंग, हाँ इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मोबाइल बैंकिंग में क्लिक करें यहाँ पर हमको मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन और मिलते हैं, आईपीबी कस्टमर, नॉन आईपीबी कस्टमर, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डोर स्टेप बैंकिंग, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख मतलब यहाँ पर दिया जा रहा है आप क्या चीज़ अपडेट करवाना चाहते हो, ओपन न्यू अकाउंट, आधार एटीएम, बिल पेमेंट्स, ठीक है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, जो भी है। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहता हूँ मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड नीचे आऊँगा, ठीक है। नीचे आने के बाद मैं क्या कहूँगा, सिंपल सा यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन हम कर लेंगे कि मिस्टर हो मिस्ट्रेस वो सब डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया, यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है ना वो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर लास्ट नेम पूछा जा रहा है, लास्ट नेम मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बॉक्स में रेड स्टार लगे हमको केवल वही डालना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर आप अपडेट कराना चाहते हैं वो वाला मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। एड्रेस फर्स्ट लाइन में डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए एंड यहाँ पर रीजन, स्टेट, डिसीजन, ये सब चीज़ यहाँ पर डाल दीजिए। जब आप ये सब चीज़ यहाँ पर डाल देंगे ना, फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एनी स्पेशल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए, जैसे कि प्लीज़ मैं डाल देता हूँ PLASE प्लीज़, ठीक है, अपडेट माई मोबाइल नंबर। तो ये सब डाल के हमको क्या करना है, यहाँ पर आई एग्री क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हमको ये पिन नंबर एक दिया जा रहा है कैप्चा, इसको डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना, ठीक है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं एंड उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आपको करना क्या। जैसे आप सबमिट कर दें कुछ इस प्रकार से एक मैसेज आ जाएगा, योर सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर आपको एक हफ्ते का वेट करना है, डोर स्टेप यानी पोस्ट ऑफिस से एक बंदा आएगा, वो आपका जो सर्विस आपने जो अप्लाई किया वो काम करके चला जाएगा, सिंपल सा। तो आइयो भी जो वीडियो आप लोगों अच्छा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे के वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।